जी हाँ, चांद पर जय हो। आखिरकार वो वक्त नजदीक आ ही गया जिसकी हर भारतवासी को जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार। भारत मून का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय समय यानी शाम ठीक 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी शेयर की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक और सही जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग करवाई जाएगी। और क्योंकि आज वो दिन है जब भारत एक अहम मील का पड़ाव हासिल करेगा, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चांद पर आज लैंड होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी कर ली इसरो ने। चांद पर विक्रम की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 6:04 पर ये लैंडिंग होगी, विक्रम लैंडर की लैंडिंग होगी। और जब यह सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा जो कि भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां अब से पहले 3 देशों ने ही कदम रखा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद ग्रोवर साहब, डायरेक्टर नेहरू साइंस सेंटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुरेश चंद्रा सिंह, साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। CM नोटियाल साहब, साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का, क्योंकि हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले CM नोटियाल साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। ये तीसरा मिशन है चंद्रयान 3। 2008 में जो मिशन हुआ था उसने जो चांद के ऊपर टक्कर दी थी, उसके बाद यह पता चला था कि चांद में पानी की मौजूदगी है, जिसे बाद में चाइना ने भी अपने मिशन के जरिए कंफर्म किया था। दूसरा हमारा जरूर असफल हुआ था आखिरी स्टेज में, यह तीसरा मिशन है, कितना अहम है नोटियाल साहब? जी, जैसा आपने कहा कि हम लोग दुनिया के चौथा देश बनने वाले हैं जो वहाँ पर लैंड करेंगे, और दक्षिणी ध्रुव के पास के क्षेत्र में। मैं बार बार लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये लगभग 69 डिग्री साउथ में है, 2/3 दूरी इक्वेटर से ध्रुव के बीच में जो है वहाँ पर ये करीब लैंड करेगा। लेकिन ये दूसरी तरफ है और इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 के समय जो हमें अंतिम स्टेज में असफलता मिली थी, इस बार ये पूरा प्रयास किया है इसरो ने, जैसा बार बार उसके वैज्ञानिक और उसके अध्यक्ष हमें बताते हैं कि जो जो संभव समस्याएं हो सकती थी, जितनी आशंकाएं थी, उन सब के बारे में सोचकर उनकी काट उन्होंने एक तरह से ढूंढी है। उदाहरण के लिए इसमें उसका वजन कम किया थोड़ा सा, बूस्टर इसमें थ्रस्टर्स इसमें चार किए, और जब ये नीचे उतरेगा तो वेलोसीमीटर और अल्टीमीटर लैंडर के तरफ से पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे कि इसकी चंद्रमा की सतह से दूरी कितनी है और इसका वेग कितना है। इसके बाद ये नीचे उतरकर एक जगह पर थोड़ा सा स्थिर होगा, उसके बाद नीचे होवर करेगा, मंडराएगा चंद्रमा की सतह के ऊपर और जगह छांटेगा। जगह छांटने के बारे में भी एक नई बात हुई है। पिछली बार लगभग 0.5 किलोमीटर x 0.5 किलोमीटर का क्षेत्र था जो इसके उतरने के लिए संभावित स्थान के रूप में छांटा गया था, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गड्ढे यानी क्रेटर्स भी हैं और चंद्रमा की सतह पर बड़ी चट्टानें जैसे बोल्डर्स भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको वो काफ़ी मार्जिन दिया जाए कि ये सही जगह को चंद्रमा की सतह पर छांट सके। तो इस बार 4 किलोमीटर x 2.4 किलोमीटर, समझ लीजिए रफली 10 square kilometers का एरिया इसको दिया गया है पिछली बार के 0.25 किलोमीटर की तुलना में। तो इसके पास 40 गुना समझिए एक तरह से ऑप्शन है कि ये कहाँ पर इस लैंडर को लैंड करें, ताकि जहाँ ये लैंड करे वहाँ पर कोई बोल्डर ना हो, वहाँ पर कोई क्रेटर ना हो, क्योंकि अगर ये क्रेटर में गलती से लैंड कर जाता मान लिया तो उसकी दीवार को पार करना रोवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, भविष्य के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि ये सूरज से मिलने वाली ऊर्जा पर, सूरज से जो प्रकाश आता है उससे इसके सोलर पैनल्स चार्ज होते हैं, तो अगर ये शेडो जोन में होता
तो इसके इसको एनर्जी वो नहीं वो समस्या आ सकती है। जी हाँ, ये आप बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर क्रेटर में लैंड हुआ तो आगे इसके जो भविष्य का जो एनर्जी चाहिए इसे काम करने के लिए वो संभव होगी कि नहीं। बहुत बेहतर तरीके से आप समझा रहे हैं। प्रमोद ग्रोवर जी का रुख करूंगा, डायरेक्टर नेहरू साइंस सेंटर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, बहुत सारे भारतीय हम सब जो कि साइंस की फील्ड से रहे हैं तो केवल स्टडी लेवल तक रहे हैं, इतना गंभीर उसकी स्टडी की नहीं है, आप लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पिछली बार जब चंद्रयान 2 लैंड करने जा रहा था वो क्या कमियां थी जो समझ में आई जिनको इस बार सुधारा गया, वो क्या कमियां हैं जो इस बार इतना माइन्यूटली देखी जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां से चंद्रमा तक लैंडिंग के ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल करना उस समय के डिले के साथ वो भी बहुत अहम होता है। जी बिल्कुल, चंद्रयान में बहुत सारे यंत्र जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, कुछ हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, तो सबके बीच जो एक कम्युनिकेशन यदि सही समय में स्थापित होता है तो आपका जो लैंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहीं भी कोई चूक एक सिग्नल की अगर होगी तो लैंडिंग में असुविधा आ सकती है। तो आशा करते हैं इस बार जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और जो भी है वो अच्छे से बना है और इसरो ने बहुत इसमें मेहनत की है और ये मेहनत आज रंग लाएगी। वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आज शाम 6:04 पर हम प्रज्ञान को बाहर आता हुआ देखेंगे? देखिए, जैसे ही विक्रम अपना काम पूरा करेगा तो प्रज्ञान वहाँ पे लैंड करेगा और प्रज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने करनी है वहाँ पे लैंड करने के बाद। तो विक्रम के बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर सुरेश चंद्रा सिंह का रुख करूंगा। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त, बहुत स्वागत है। जयराम जी, एक अहम दिन भारत के लिए जहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर असफलताओं को दरकिनार करते हुए मिशन को वहां पहुंचा दिया है जहां के बाद पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि अब ये चांद हमारा है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी पर तो भारत आज एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, चाहे वो मजबूत नेतृत्व की बात हम कहें नरेंद्र भाई मोदी जी का, और साथ में जिस प्रकार से भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और अब चंद्रयान 3 का ये जो अभियान है, आज मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा पूर्ण रूप से सफल हो और निश्चित रूप से अब चांद भी हमारा होगा, इस बात को लेकर के कोई दो राय नहीं रह गई है। जयराम जी, वैज्ञानिक जो अपनी मेहनत से हासिल करते हैं उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने देखा उन तस्वीरों को जब पिछली बार आखिरी समय में जब चंद्रयान 2 मिशन असफल हुआ था, प्रधानमंत्री किस तरीके से इसरो के चेयरमैन को ढांढस बंधा रहे थे। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कितना काम करती है जब हम अंतरिक्ष में एक नई ऊंचाई हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से पूरा सपोर्ट जो है वो साइंटिस्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से पहले भी था, और ये बात आपने ठीक कही, जब इसरो के चेयरमैन बहुत भावुक हुए थे उस पल में जब हम सफलता से थोड़ा चूक गए थे पिछले उस अभियान में, और बहुत इमोशनल होकर के भावुक होकर के वो आंसू निकल गए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको गले लगाया और उन्हें कहा कि सफलता जो है बहुत सफलता के हम बहुत करीब पहुंचे हैं, जो कमी रही है इस कमी को बहुत जल्दी भारत पूरा करेगा, आप आज से ही जुट जाइए, और उसी दिन से ही अभियान जो है वो शुरू हो गया। आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उस अभियान पे हम उस पड़ाव में पहुंचे हैं जहां हम सफलता से कुछ ही घंटे दूर हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें हम सफल भी होंगे। जयराम जी, विश्व परिदृश्य की बात अगर करें आपसे, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं आप बीजेपी के, विश्व परिदृश्य की बात करें तो इस सफलता के बाद जिसकी हम सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, भारत को कहां देखते हैं आप? देखिए, एक तो
बहुत सारी गलत फहमियां जो भारत के बारे में पूरे विश्व में पहले थी। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास होने के लिए अभी बहुत अरसा लगेगा, बहुत साल लगेंगे, और उसके साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के भारत के बारे में अच्छी धारणा थी। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहूंगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अच्छी छवि नहीं थी भारत की पूरे दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र के साथ पूरे दुनिया के परिदृश्य में। उस तरह का भारत का सम्मान का अगर हम जिक्र करें, भारत की पहचान का अगर हम जिक्र करें, और भारत के जो अपने अस्तित्व की अगर हम बात करें, उन सारी बातों पर प्रश्न चिन्ह एक बार नहीं अनेकों बार खड़े करने की कोशिश होती थी। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं पिछले लगभग साढ़े नौ वर्षों में जो हमारा देश आगे बढ़ा है, ये दुनिया ने आज देखा है भारत ये भी कर सकता है। भारत 10वें 11वें नंबर से 5th इकोनॉमी बन सकता है। भारत इतनी तेज गति में आगे बढ़ करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए सफल हुआ है। भारत ने गरीबी को कितनी तेजी के साथ जो है अपने देश के अंदर कम किया है, समाप्त होना बाकी है लेकिन कम तो निश्चित रूप से इस कदर किया है। और इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी में भारत बिल्कुल डिपेंडेंट था दूसरे देशों के ऊपर हर चीज के लिए, लगभग ऐसी स्थिति थी। आज टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ गया और अपनी एक पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर बनाने में सफल हुआ है। यही एक सबसे बड़ी सफलता है जिसमें मैं कह सकता हूं कि इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। और आज चंद्रयान 3 का ये सफलतापूर्वक हमारा जो अभियान आगे बढ़ रहा है सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, मैं समझता हूं इससे पूरे दुनिया के मानचित्र पर भारत की एक अलग पहचान और मजबूती के साथ जो है वो साबित होगी। आपने सही कहा जयराम जी, एक वक्त था जब क्रायोजेनिक इंजन, जो कि ऐसे मिशन के लिए बहुत अहम माना जाता है, भारत को देने तक से इनकार कर दिया जाता था, और भारत आज अपने ही हैवी वेट रॉकेट बनाकर इनको भेज रहा है। हाँ, निश्चित रूप से वही तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अंतर है। भारत ने बहुत तेजी से आगे जो है वो प्रगति की है, स्पेस के सेक्टर में भी ये बहुत बड़ी छलांग होगी, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी भारत ने आज भारत हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के मामले पर अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह गया। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेंट, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारे देशों के ऊपर रहती थी, चाहे वो रशिया के ऊपर रहती थी, चाइना के ऊपर रहती थी, चाहे हमारे अमेरिका के ऊपर रहती थी, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज भारत अपने आप आगे बढ़ रहा है, अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में सारी चीज को लेकर के, भारत की इस प्रगति को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं कि ऐसी गति अगर भारत ने पकड़े तो जो जिनका एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था कभी किन्नी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो सब लोग चिंतित हैं आखिरकार भारत इस गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत एक उनके लिए एक मार्केट था। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की, अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक मार्केट था। वो मार्केट से के अलावा ऐसा मान के चले थे कि वर्षों तक भारत तो हमारा ही सामान खरीदता रहेगा, हम ही सप्लाई करते रहेंगे, हम ही टेक्नोलॉजी देते रहेंगे, तो लेकिन आज वो परिस्थिति बदलती दिख रही है। अब एक सवाल और, जो कि आपके ही राज्य हिमाचल से जुड़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल मौसम की मार सह रहा है, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। इस बीच की जब हिमाचल की जनता को पूरा देश इस वक्त ढांढस बंधा रहा है, मदद के लिए खड़ा है, सरकारें खड़ी हुई हैं, उस बीच में चंद्रयान को लेकर हिमाचल की जनता कितनी उत्साहित है, क्योंकि एक तरफ वो अपनी मुश्किलों से जूझ रही है, दूसरी तरफ देश एक माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग एक महीने से हम बहुत त्रासदी के दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसमें तो दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ है। अब की बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है, हम आहत भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इस सारी चीज से बहुत उत्साहित भी है कि ये दौर जो है वो भारत के लिए महत्व का तो है ही है जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये बहुत महत्व का है। जब आज त्रासदी का दौर एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में उत्सुकता इस बात को लेकर के भी है कि भारत चांद पर जा रहा है जी। और चांद भी अपना हो रहा है,
ऐसे में उस सारी चीज को लेकर के एक बहुत अलग तरह की एक फीलिंग है इस वक्त की बात करूं। नए बदलते भारत का सपना जमीन पर भी है और आसमान में भी है। बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए बात करने के लिए धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा जरूरत है।